Hey guys, how are you all? I hope you all are safe and sound. So, once again, welcome back to your YouTube channel English to English with subtitles. So, my friend, today, as usual, I have brought you all the very useful and valuable sentences that we use in our daily life. So, if you are one who wants to improve your language in a case where you don't have someone around whom you can speak with in English, so please stay tuned with me and watch the whole movie. But before jumping into today's lesson, I want you all guys to keep a pen and a pencil with you so that you could write down each and every sentence that you are gonna get here from this video so please make sure you note know them all and memorize them multiple times then only you are gonna get yourself improved in it so without any further delay let's jump into today's lesson Our first sentence is as uda Banao do not make such a sad face do not make such a sad face as udas Chehra banao और आगे बोल रहा है कुछ अच्छा सोचो थिंक ऑफ समथिंग नाइस थिंक ऑफ समथिंग नाइस कुछ अच्छा सोचो क्या बोला है डो नॉट मेक सच अ सैड फीस थिंक ऑफ समथिंग नाइस मिस्टर ब्रदर ये यहाँ पर बोल रही है चिंता मत करो मोस्ट जल्द ही ठीक हो जाएगी डो नॉट वॉरी मोस्ट विल बी फाइन सोन डो नॉट वॉरी मोस्ट विल बी फाइन सोन चिंता मत करो मोस्ट जल्द ही ठीक हो जाएगी अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर नहीं मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा नो आई एम नॉट थिंकिंग ऑफर नो आई एम नॉट थिंकिंग ऑफर नहीं मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा ये जारा खान यहाँ पर बोल रही है मैं मरूँगी नहीं जब तक कि मूज घर ना आ जाए आई वॉन्ट किक द बकेट अनटिल मूज कम होम आई वोंट किक द बकेट अनटिल मूज कम होम मैं मरूंगी नहीं जब तक कि मूस घर ना आ जाए किक द बकेट का मीनिंग होता है मर जाना लेकिन ये इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ किया जाता है ठीक है फॉर्मल सिचुएशन में हम इसको यूज़ नहीं करते तो क्या बोल रही है ये आई वोंट किक द बकेट अनटिल मूस कम होम नेक्स्ट माई फ्रेंड मैं ईशान से बात करूँगा हो सकता है वो उसके घर आ जाने से बेहतर महसूस करे आई विल टॉक टू ईशान मे बी शी वुड फील बैटर इफ़ ही कैम होम आई विल टॉक टू ईशान मे बी शी वुड फील बैटर इफ़ ही कैम होम नेक्स्ट फ्रेंड तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है वह चाहती है कि तुम जल्दी करो योर मॉम इज कॉलिंग यू शी वॉन्ट्स यू टू हरी अप योर मॉम इज कॉलिंग यू शी वॉन्ट्स यू टू हरी अप हरी अप का मीनिंग होता है जल्दी करना नेक्स्ट मई फ्रेंड ये प्रियंका यहाँ पर बोल रही है जाओ और अपना खाना खाओ यह ठंडा हो रहा होगा गो एंड ईट योर फूड इट मस्ट बी गेटिंग कोल्ड गो एंड ईट योर फूड इट मस्ट बी गेटिंग कोल्ड नेक्स्ट फ्रेंड मुझे नहीं पता कि मैं कभी कभी किससे बात कर रही हूँ आई डो नॉट नो हु आई एम टॉकिंग टू समाइम्स आई डो नॉट नो हु आई एम टॉकिंग टू समाइम्स मुझे नहीं पता कि मैं कभी कभी किससे बात कर रही हूँ जब आप गुस्से में होते हो और सामने वाला आपकी बातों को नहीं समझता तो ये वाला सेंटेंस आप बोलते हैं आई डो नॉट नो हु आई एम टॉकिंग टू समाइम्स नेक्स्ट है फ्रेंड क्या मैं तुम्हें जानती भी हूँ डू आई इवन नो यू डू आई इवन नो यू क्या मैं तुम्हें जानती भी हूँ ये गुस्से में बोल रही है डू आई इवन नो यू नेक्स्ट माई फ्रेंड मैं हर समय आयशा की देखभाल कर रही थी आई हैड बिन लुकिंग आफ्टर आयशा ऑल द टाइम आई हैड बिन लुकिंग आफ्टर आयशा ऑल द टाइम मैं हर समय आयशा की देखभाल कर रही थी लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना तो ये बोल रही है आई हैड बीन लुकिंग आफ्टर आयशा ऑल द टाइम नेक्स्ट माय फ्रेंड ये आगे बोल रही है वह चली गई है और ईशान अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है जैसे उसे होना भी चाहिए शी हैज़ गॉन एंड ईशान इज़ बिज़ी विद हिज़ लाइफ एज ही शुड बी शी हैज़ गॉन एंड ईशान इज़ बिज़ी विद हिज़ लाइफ एज ही शुड बी वह चली गई है और ईशान अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है जैसे उसे होना चाहिए एक्चुअली ये आयशा जो थी इनकी डॉटर थी वो मर गई है तो उसी के बारे में ये यहाँ पर बात कर रहे हैं शी हैज़ गॉन एंड ईशान इज़ बिज़ी विद हिज़ लाइफ एज ही शुड बी और ये आगे बोल रही है बताओ अब मेरे पास क्या बचा है मी वाट एम आई लेफ्ट विद टेल मी वाट एम आई लेफ्ट विद नाउ बताओ अब मेरे पास क्या बचा है ये यह यहाँ पर बोल रहा है फरहान जो तुम्हें ठीक लगे वही करो डू वॉट यू थिंक इज़ राइट डू वॉट यू थिंक इज़ राइट जो तुम्हें ठीक लगे वही करो और ये आगे बोल रहे हैं मैं जो कर सकता था मैंने किया और आप ज़रूर ऐसा सोचती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया आई डिड what आई कोड एंड यू सर्टेनली थिंक आई डिड नथिंग आई डिड what आई कोड एंड यू सर्टेनली थिंक आई डिड नथिंग यहाँ थिंग्स नहीं होगा थिंक होगा माई फ्रेंड ऐसे यहाँ पर मिस्टेकनली एड हो गया है तो इसको रिमूव कर दीजिएगा आप आई डिड what आई कोड एंड यू सर्टेनली थिंक आई डिड नथिंग नेक्स्ट माय फ्रेंड तुमने कितनी आसानी से कह दिया हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए हाउ इजीली यू सेड वी शुड बी ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हाउ इजीली यू सेड वी शुड बी ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर का मीनिंग होता है एक दूसरे से अलग हो जाना दूर हो जाना नेक्स्ट फ्रेंड चलो कुछ मंगवाते हैं वरना मैं भूख से बेहोश हो जाऊंगा लेट्स ऑर्डर समथिंग और एल्स आई विल फेंट आउट ऑफ हंगर लेट्स ऑर्डर समथिंग और एल्स आई विल फेंट आउट ऑफ हंगर नेक्स्ट माई फ्रेंड ये यहाँ पर बोल रही है अगर आप काम करने के बजाय मुझ पर टकटकी लगा रहे हैं तो यह मेरी समस्या नहीं है इफ यू आर वॉकिंग एट मी इंस्टेड ऑफ वर्किंग इट इज नॉट माई प्रॉब्लम इफ़ यू आर वॉकिंग एट मी इंस्टेड ऑफ वर्किंग इट इज नॉट माई प्रॉब्लम वॉकिंग का मीनिंग होता है टकटकी लगा कर देखना किसी को तो ये बोल रही है इफ यू आर वॉकिंग एट मी इंस्टेड ऑफ वर्किंग इट इज नॉट माई प्रॉब्लम नेक्स्ट है फ्रेंड कुत्ते से दूर रहो यह आपको संक्रमण दे सकता है स्टे अवे फ्रॉम डॉग इट कुड गिव यू एन इन्फेक्शन स्टे अवे फ्रॉम डॉग इट कुड गिव यू एन इन्फेक्शन नेक्स्ट है फ्रेंड मुझे यहाँ तुम दोनों के साथ होना चाहिए ये बोल रहा है प्रियंका से आई शुड बी हेयर विद यू बोथ आई शुड बी हेयर विद यू बोथ मुझे यहाँ तुम दोनों के साथ होना चाहिए और आगे बोल रहा है एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वन डे आई विल मेक सो मच मनी सो दैट वी डोंट हैव टू वॉरी अबाउट एनी थिंग वन डे आई विल मेक सो मच मनी सो दैट वी डोंट हैव टू वॉरी अबाउट एनी थिंग नेक्स्ट माई फ्रेंड ये यहाँ पर कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो बोल रहे हैं ऐसे पल होते हैं जब आप जीवन को पूरी तरह से जीते हैं देर आर मोमेंट्स वैन यू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट देर आर मोमेंट्स वैन यू लिव लाइफ टू द फुलस्ट ऐसे पल होते हैं जब आप जीवन को पूरी तरह से जीते हैं और जब आप उस पल में होते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जीवन सबसे अद्भुत चीज़ है एंड वैन यू आर इन दैट मोमेंट यू रियलाइज दैट लाइफ इज़ अ मोस्ट वॉन्टरस थिंग एंड वैन यू आर इन दैट मोमेंट यू रियलाइज दैट लाइफ इज़ अ मोस्ट वॉन्टरस थिंग पूरा सेंटेंस क्या है ये देर आर मोमेंट्स वैन यू लिव योर लाइफ टू द फुलस्ट एंड वैन यू आर इन दैट मोमेंट यू रियलाइज दैट लाइफ इज़ अ मोस्ट वॉन्टरस थिंग नेक्स्ट माई फ्रेंड ये यहाँ पर प्रियंका मालूम कर रही है क्या वह रेगुलरली अपनी दाँत ब्रश करता है डज ही ब्रश इज टीथ रेगुलरली डज ही ब्रश इज टीथ रेगुलरली क्या वह रेगुलरली अपनी दाँत ब्रश करता है अगर वह करता है तो उसके आसपास रहने में कोई बुराई नहीं है इफ़ ही डज देन देर इज नो हार्म स्टेइंग अराउंड हिम इफ़ ई डज देन देर इज़ नो हार्म स्टेइंग अराउंड हिम क्या पूछा था इसने डज ही ब्रश हिज टीथ रेगुलरली इफ़ डज देन देर इज नो हार्म स्टेइंग अराउंड हिम So my friend this is our last sentence and thank you so much for watching my video if you are finding my video useful for you to improve your language please let me know in comment section and do not forget to like share and subscribe my channel until then bye bye have a great day here take care bye bye